कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले बहुत ही यूनिक रीडिंग, और ये रीडिंग रहने वाली है कि आपके पर्सन, आपके डीएम लास्ट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो गाइज ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, इसके लिए मैं चार्म्स भी यूज़ करूँगी। तो देखेंगे कि आपके डीएम रात को आपके बारे में क्या सोचते हैं। थोड़ा स्पाइस अप भी करेंगे इसको, थोड़े रोमांटिक मैसेजेस, जेस्चर्स और थोड़े से रोमांस कार्ड्स भी यूज़ करेंगे इसमें। तो गाइज अगर आप ज़्यादा रोमांटिक रीडिंग में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप लोग जो है अपने हिसाब से कर सकते हो, पर मैं इसको ज़्यादा डीप में इतना नहीं लेकर जाऊँगी। पर यस, कभी कभी तो दिल होती है कि क्या प्यार वाले थॉट्स आ रहे हैं हमारे पर्सन के मन में हमारे लिए, तो वो भी देखे जाए। तो पहले हम प्रैक्टिकल थिंकिंग देखेंगे और फिर रोमांटिक फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के, जो आपके लिए वो कल रात सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी रीडिंग और भी चाहिए चैनल पे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए गाइज, लेट्स सी कि लास्ट नाइट आपके पर्सन आपके बारे में प्रैक्टिकली पहले क्या सोच रहे थे। और ये रीडिंग चार्म्स वालों के साथ ही एप्लीकेबल होगी, तो मैं आपको अल्फाबेट चेन में बता दूंगी, ठीक है। तो कल रात आपके पर्सन बहुत ही मेडिटेशन में थे, ठीक है गाइज, और वो सोच रहे थे कि उनको रिकंसिलिएशन चाहिए आपके साथ। वो सोच रहे थे कि आप एक हाई प्रीस्टेस हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, और वो भी मेडिटेशन करना चाह रहे थे, और वो सोच रहे थे कि आपको आपके हार्ड वर्क के फ्रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और वो ये भी सोच रहे थे कि अपने टॉक्सिक कॉर्ड्स को कैसे काटा जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी से निकला जाए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आपकी आप कैसे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स थे, जो सब लोग आपके साथ आके गलत करके जाते थे, और अचानक से कैसे आप इतने पावरफुल बन गए कि आपकी वॉइस इतने लोगों तक पहुंचने लग गई। अब ये बहुत कम लोगों के लिए है गाइस, लेकिन आपके डीएम सोच रहे कि आप अपने करियर में कितने सक्सेसफुल हो गए, आप कितने ज़्यादा आप लीडर पोजिशन पर आ गए हो बहुत सारे लोग। तो वो यही सोच रहे हैं कि मैं अपने पुराने कार्मिक कॉर्ड्स को कैसे कट करूं और कैसे इसके पास जाऊं जो सक्सेसफुल है, ठीक है। वो अगर आप दूसरे शहर में, तो आपसे मिलने का भी सोच रहे थे प्रैक्टिकली। वो उनको ऐसे लग रहा था आप कितने लविंग हो, कितने गिविंग हो, कितने केयरिंग हो, जो आपको भी ऑफर देना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन का बार बार आ रहा है यहाँ पर, रिकन्सिलिएशन। तो आप देख रहे हैं वो आप लोगों की केयर करते हो, आप लोगों को हील करते हो, आप लोगों को एज मदर फिगर ट्रीट करते हो, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो लोगों की, आप सबको जो है साथ लेकर चलना चाहते हो। बहुत सारे डीएम्स ऐसा देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे भी हो तो आपके वीडियोस देख रहे हैं आपके डीएम, और उनको ऐसा लग रहा है आप कितने इंट्यूटिव हो और आपने कितने सही डिसीशंस लिए अपने लाइफ में, और उन्होंने कितने ज़्यादा गलत डिसीशंस लिए, और अब आपको आपके हार्डवर्क के फ्रूट्स मिल रहे हैं, और आप जो है सही जगह पर हो और सही लोगों के साथ हो। तो वो जो है आपके बारे में प्रैक्टिकली बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे थे। तो अभी आते हैं गाइज, रोमांटिकली क्या सोच रहे थे आपके पर्सन आपके बारे में। फ्लर्ट करना चाहते हैं गाइज ये पर्सन आपके साथ, इनके बहुत वूंड्स हैं, इसी वजह से वो लॉयल्टी इश्यूज इस पर्सन के बहुत ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा वो फॉरगिविंग और लर्निंग फॉरगिव करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव करो, और वो कंट्रोल इश्यूज को जाने देना चाहते हैं। अगर उनके चिल्ड्रन है तो वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, ठीक है, उनको कैसे सेट मतलब इस प्रॉब्लम को छोड़ा जाए। तो देखते गाइज और क्या मैसेजेस आते हैं, रोमांटिकली क्या सोच रहे थे आपके पर्सन। फ्लर्ट करना चाहते हैं, पैशनेट होना चाहते हैं गाइज, साइरन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यस, वो आपके बारे में रोमांटिक थॉट्स रखते हैं, ऑब्वियसली रखते हैं, बट छुपाते सब कुछ है आपके पर्सन। तो लेट्स सी और ज़्यादा क्या आ रहा है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये पर्सन
देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लविंग गिविंग केयरिंग हो। देखिए गाइज ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इसको ऑफर करो वरना ये भाग जाएगी, वरना इसको कोई और मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब ये चाहते हैं कि ये आपको मतलब जो है लव दिखाए, अपना आपको दिखाए कि मैं ही एक ऑप्शन हूँ और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपके लाइफ में। टू ऑफ कप्स फील कर रहे हैं और फोर्सफुली जो है कहीं ना कहीं अपना इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मैं हूँ, मेरे अलावा और किसी की तरफ मत जाना। तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्स मुझे आपके पर्सन से आ रहे हैं कि वो आपको फोर्सफुली जो है बोलना चाहते हैं कि मैं ही हूँ, अपना टेंशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और अगर आप किसी और के साथ हो, उनको ऐसा लगता है आप किसी और के साथ हो, तो उसका गला काटना चाहते हैं वो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गया इंटेंस। वो आपको देख रहे हैं, दूर से स्टॉक कर रहे हैं गाइस सोशल मीडिया पे। उनको लग रहा है कि आपके साथ ही उनका ब्राइट फ्यूचर है। एक आज वो छोटे गाइस आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, बट कहीं ना कहीं ये आपको डेट पे भी लेके जाना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये हैंग्ड मैन में आपको देख रहे हैं, ये आपको बहुत रिलैक्स सिचुएशन में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप कोई एक्शन नहीं लोगे अब, और आप कोई एक्शन लेना भी नहीं चाहते। उनको यही कन्फ्यूजन है कि आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सेटल हो गई है। क्या आपको कोई और मिल गया है, क्या आप किसी और को डेट कर रहे हो, या आप अपने सेल्फ लव में बैठे हो? तो ये जानने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, आपको कॉल करेंगे। तो बार बार सोच रहे हैं, जेलिस हो रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई और ऑलरेडी आ चुका हुआ हो सकता है और आप किसी और को डेट कर चुके हो सकते हो। तो उन्होंने आपको लूज कर दिया, पता नहीं कहाँ से आई उनके दिमाग में ऐसी बातें, बट आ गई है तो हम क्या ही करें, है ना। तो ये सब आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। तो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी ये रीडिंग। चलिए गाइस थोड़े से चार्म्स यूज करते हैं, वो आपसे बात करके अपना मतलब क्लियर करके देखना चाहते कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। तो ये बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखते हैं किसके लिए है ये रीडिंग एप्लीकेबल। देखिए गाइस आपके आओ आपके पर्सन के नाम क्या इनिशियल्स यहाँ पे हो सकते हैं, W, ठीक है, O आ रहा है, T आ रहा है गाइस यहाँ पे, D आ रहा है, ठीक है, आपके पर्सन के नाम में ये सब हो सकता है, या आपके नाम में C आ रहा है और Q आ रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब फील कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये किसी और के साथ चली गई होगी, या अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है कार्मिक के साथ, तो उनको लग रहा है कि आपका उनके साथ कोई रिलेशनशिप है फिजिकल, और आप वहाँ पे मज़े कर रहे हो और ये यहाँ पे अकेले बैठे हैं, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बट उनकी इमेजिनेशन वियर्डिस्ट है और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं छीन लूँ इसको, क्योंकि हमारा कनेक्शन डेस्टिंड है। म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा रात को देर रात तक जाग जाग के म्यूज़िक सुनते हैं ये पर्सन, और फिर सोचते हैं कि मैं ही हूँ जो इस के लिए सही बंदा हूँ, मैं ही हूँ जो इसका ट्विन फ्लेम हूँ। बहुतों को ट्विन फ्लेम के बारे में आपने खुद बता बता के पकाया है अपने DM को, यही आ रहा है मुझे, लाइक लिटरली गाइज यही एनर्जी आ रही है, पकाया है। तो अब वो जान गए हैं कि ऐसा है, तो वो जल भी रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ओनली आई डिजर्व टू बी विथ हर। और ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, और इनको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई और मिल गया और आप किसी और को डेट कर रहे हो। तो चलिए गाइस इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।